हेलो फ्रेंड्स, मैं सीखूं ज़िंदगी से। जो कल मैंने आपको मोती वाले थाल पर उसका मेज़रमेंट बताया था, तो मैंने शुरू से आपको बोला था कि मैं कल बताऊंगी शुरू से कैसे बनता है। तो फ्रेंड्स, मैं वही बताना मैंने वही बताने के लिए आपको ये वीडियो बनाई है। फ्रेंड्स, हम सबसे पहले ऊन में अपने मोती डाल लेंगे, किसी सुई से, या फिर अगर मोती जिस भी लड़ी में डले हों उस लड़ी से ऊन की गांठ लगाकर मोतियों को ऊन में डाल देंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, कोई भी गोल मैट या थालपोस बनाने से पहले उसको हम धागे को गांठ लगाते हैं। जैसे ही गांठ लगा ली, गांठ लगा के हम उसमें 8 चैन डालेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 चैन डालने के बाद फ्रेंड्स, फिर हम पहली वाली, जो हमने पहला गांठ लगाई थी जहाँ पे, वहाँ पे क्रोशिया डालेंगे। क्रोशिया डाल के उसको बिनेंगे, बाहर निकाल के उसको ऐसे करेंगे। फिर हम फ्रेंड्स, ऐसे गोला बन जाएगा, गोल बन जाएगा ऐसे, तो हम इसमें 3 चैन और बिनेंगे। 1, 2, 3। 3 चैन बिन के हम फ्रेंड्स ऊन को लपेटा लेंगे और अंदर से ऐसे निकाल के 2, 3, 3 का 2, 2 का 1 ऐसे बनाते हम पूरे राउंड में बना लेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12, 13, 14, 15। फ्रेंड्स, 50 के बाद कुछ ये ऐसा दिखाई देगा। तो हम जहाँ से हमने शुरू किया था, 3 3 बिने थे हम, अब उस 3 के पास से हम जो तीसरा था, तीसरा बिना था, उसके पास हम क्रोशिया डालेंगे। ऐसे ही सिंगल ही क्रोशिया डाल के वहाँ से निकाल के और 2 का 1 कर देंगे। 2 का 1 बना लिया तो ये ऐसे आ गया। और फिर हम 3 की चैन बिनेंगे। 1, 2, 3। फ्रेंड्स, हम और वैसा ही जैसे हमने नीचे बनाया वैसे ही हम ऊपर बनाएंगे। जो हमारे 18 बने हैं इनके ऊपर हम एक एक बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैंने ये 3 लाइन ख़त्म होने वाली है, मेरी 3 लाइन। अब हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में हम जहाँ 3 बीनते हैं उसी में इसको मिलाते हैं और इसको ऐसे धागा नहीं घुमाते, इसी के साथ ऐसे ज्वाइंट करते हैं। ज्वाइंट करने के बाद फ्रेंड्स, ये ऐसे दिखाई देता है बिल्कुल गोल। फिर हम 3 बनाएंगे। 1, 2, 3। 3 बनाने के बाद फ्रेंड्स, अब हम इनी इनी थ्री थ्री के अंदर हमें एक और बनाना है। 2 करने हैं ये,
मैंने आपको बताया था ना कि हम 24 बनाए 12 बनाएंगे, 2 के 6 और 4 के 6 बनाएंगे। तो फ्रेंड्स ये 2 हो गए, फिर हम एक चैन बनाएंगे, एक बस एक चैन बनाएंगे और 1 2 3 3 छोड़ के फ्रेंड्स हम चौथे वाले में डालेंगे और उसमें से ये निकाल लेंगे 4 बार, 1 2 3 4। देखो फ्रेंड्स पहले हमने 2 बनाए, फिर हमने एक चैन डाल के 3 छोड़ के, ये 1 2 3 3 छोड़ के खाने, फिर हमने 4 एक में ही डाले, और फिर हम एक की चैन बनाएंगे, फिर हम 2 बनाएंगे 3 छोड़ के, 1 2 3। क्योंकि हमारा डिजाइन ही 2 से शुरू होने वाला है और ये कलियां हमारी 4 की बनेंगी। फिर हमने यही यही रिपीट करते जाना है, 3 छोड़ते जाना है, एक की चैन लेनी है और 2 पहले डाले हमने, फिर 4 बनाए, फिर 2 बनाए, फिर 4 बनाएंगे, यही लाइन पूरी करते जाएंगे।